Hello everyone, welcome to Abhipedia, powered by Abhimanyu IAS. Today we are going to do discussion on Poverty and Shared Prosperity Report by World Bank. This topic is part of your GS3 paper regarding inclusive growth and also with regards to your GS2 syllabus that talks about international organizations. There can be a direct question in mains that talks about this report, and this report is having relevance with the impact of COVID-19 on the world economy. Let's discuss in depth. So recently, World Bank has released its biennial report, which means a report that it releases after every 2 years, on poverty and shared prosperity, which mentions the latest and most accurate estimates on trends in global poverty and shared prosperity. Iske key findings hai, number one, jo global extreme poverty hai, it is expected to rise for the first time in 20 years because of the disruptions that have been caused by COVID-19. Also, pandemic ki wajah se, it would push another 88 million to 115 million into extreme poverty, or they would be having less than $1.50 per day to live on. Yani ki unke paas 100 rupees se bhi kam honge ek din guzarne ke liye. There would be such 150 million people. Reversal of fortune. This is the cover page of this report. Ye iska title hai. Under it means that जो पॉवर्टी हमने रिड्यूस करी थी, अब तक जो प्रोग्रेस करी थी हमने, वो अब रिवर्स कर दी है इस कंडीशन ने, इस कोविड-19 की कंडीशन ने. सो रिवर्स ऑफ द प्रोग्रेस मेड. करंट इंक्रीजिंग पॉवर्टी इज रिवर्सल ऑफ द अचीवमेंट्स दैट वर मेड इन 2.5 decades. 1990 से जो हमने अचीव करा था 2015 तक, वो रिवर्स हो गया है सारा अचीवमेंट. जो पॉवर्टी रेट है, इट हैज़ डिक्लाइन बाई 26%, which was 36% before it. 2012 से 2017 तक ग्रोथ इंक्लूसिव देखने को मिली थी हमें. जो पुअरेस्ट 40% ऑफ द पॉपुलेशन है, उनकी इनकम ग्रो होती देखने को मिली. जो एवरेज ग्लोबल शेयर प्रॉस्पेरिटी रेट है, इट इज़ अराउंड 2.3% ड्यूरिंग दिस पीरियड. एंड इट इज़ सीन दैट कि अब जो शेयर प्रॉस्पेरिटी है वो डिमिनिश होती जा रही है, राइट, बिकॉज जो एवरेज इनकम है उसमें ग्रोथ नहीं हो पा रही. देर इज़ डिक्लाइन इन एवरेज इनकम. ऑल्सो इट इज़ सेड दैट डिमिनिश हो जाएगी शेयर प्रॉस्पेरिटी, या स्टैगनेंट या इवन कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है ओवर द पीरियड ऑफ 2019 एंड 2021 ड्यू टू रिड्यूस ग्रोथ इन एवरेज इनकम्स ड्यूरिंग कोविड-19 पीरियड. शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी से मतलब होता है कि जो ग्रोथ है इनकम की ऑफ द पुअरेस्ट 40% पीपल ऑफ द कंट्री. वर्स्ट अफेक्टेड रीजन्स एज पर दिस रिपोर्ट, जो पुअर लोग हैं, जो ऑलरेडी पुअर हैं, दे आर मोर वल्नरेबल, दे आर वर्स्ट हिट बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 सिचुएशन. जो न्यूली पुअर इंडिविजुअल्स वुड बी देयर इन हाई पॉवर्टी रेट्स कंट्रीज. ऑल्सो जो मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, they will slip below poverty line. Sub-Saharan Africa, South Asia will be badly hit as per the bank's projection, right? Jo poor hain already, why they are more vulnerable? Because number one, they have low levels of education. Number two, unke paas assets nahi hote jisse ki income generate kar sakein. Unke paas secure employment nahi hai, right? They are in lower skilled occupations. राइट, जैसे कि दे आर वर्किंग इन रेस्टोरेंट्स, होटल्स एंड बार्स एज वर्कर्स. जब रिसेशन का टाइम आएगा, सबसे पहले इन लोअर स्किल्ड वर्कर्स को निकाल दिया जाता है बिकॉज दे हैव लोअर लेवल्स ऑफ स्किल्स एंड लोअर लेवल्स ऑफ एजुकेशन. उनके पास ऑल्टरनेट जॉब्स भी नहीं होती. एंड ऑल्सो जो ये वर्कर्स हैं, पुअर वर्कर्स, वो ऐसे सेक्टर में एंगेज हैं जो कि लेस कंपैटिबल है एज कम फॉर दी सोशल डिस्टेंसिंग, राइट, जो लेस कंपैटिबल हैं फॉर दी सोशल डिस्टेंसिंग, सच एज कंस्ट्रक्शन, लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग. सो हमें देखने को मिला ड्यूरिंग कोविड-19 पीरियड, जो माइग्रेंट्स हैं, राइट, दे आर गोइंग टू द होम टाउन्स.
अपनी होम स्टेट में जा रहे हैं माइग्रेंट्स, रीज़न बीइंग जो फैक्ट्री यूनिट्स हैं वो क्लोज हो चुकी हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो बंद हो चुका है. दे डू नॉट हैव एनी ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस जहाँ पे उनको एब्जॉर्ब किया जाए, जहाँ उनको जॉब्स प्रोवाइड की जाएँ, तो दे आर गोइंग बैक टू देयर होम स्टेट. बट होम स्टेट में भी जाके उनको एग्रीकल्चर में कोई एब्जॉर्प्शन नहीं मिलेगा, राइट? सो दैट इज़ देयर डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा इसकी वजह से. तो वी हैव टू मेक श्योर कि हम लोग उनको जॉब्स प्रोवाइड कर पाएँ. ऑल्सो जो पुअर पीपल हैं उनके पास कोपिंग मैकेनिज्म नहीं है, जैसे कि सेविंग्स नहीं होती उनके पास अपनी ड्यूरिंग द अनएम्प्लॉयमेंट पीरियड. उनके पास सोशल सिक्योरिटी नेट भी बहुत वीक है, तो दैट इज़ वाई दे आर मोर वल्नरेबल ड्यूरिंग दिस सिचुएशन. वॉट नीड्स टू बी डन, वी हैव टू मेक श्योर कि हम लोग डेवलपमेंट को वापस ला पाएँ, राइट? कोविड 19 की वजह से सीरियस सेटबैक लगा है डेवलपमेंट को और पॉवर्टी रिडक्शन को. सो कंट्री नीड्स टू टेक एक्शन अगेंस्ट इट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक श्योर दैट वी आर अलाउइंग कैपिटल, लेबर, स्किल्स एंड इनोवेशन सो दैट देर वुड बी न्यू बिजनेस एंड न्यू सेक्टर्स. सेकेंडली जो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं उनको ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि वो लॉन्ग टर्म एजेंडाज पे भी काम करें, जैसे कि प्रमोटिंग इंक्लूसिव ग्रोथ, कैपिटल एक्युमुलेशन, रिस्क प्रिवेंशन, पर्टिकुलरली रिस्क ऑफ कन्फ्लिक्ट एंड क्लाइमेट चेंज. तो वर्ल्ड बैंक ने बेसिकली एक स्ट्रैटेजी प्रपोज की है विच इज़ कॉल्ड टू ट्रैक अप्रोच. इट इज़ शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी. एज पर द शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी इट स्टेट्स दैट कंट्रीज नीड टू प्रिपेयर फॉर अ डिफरेंट इकोनॉमी पोस्ट कोविड बाय अलाउइंग कैपिटल, लेबर, स्किल एंड इनोवेशन टू मूव आउट, टू मूव इनटू न्यू बिजनेस एंड सेक्टर्स. सो जो माइग्रेंट लेबर्स हैं, जैसे कि हमने माइग्रेंट लेबर्स का टॉपिक डिस्कस किया, तो दे शुड बी अलाउड सो दैट दे शुड बी अलाउड फॉर कैपिटल. उनको कैपिटल या लोन प्रोवाइड किया जाए, राइट? उनको स्किल प्रोवाइड की जाए, आईटी स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, राइट? उनको लेबर स्किल्स प्रोवाइड की जाए, उनको इनोवेशन प्रोवाइड की जाए, जिससे कि वो अपना खुद का कुछ बिजनेस स्टार्ट कर सकें, राइट? सो दैट दे कैन मूव इनटू न्यू जॉब्स. वो एंटरप्रेन्योर की फॉर्म में सामने आए, वो सेल्फ एम्प्लॉय हो जाएं, राइट? सो दिस बेसिकली टॉक्स अबाउट आत्मनिर्भर भारत. आप आत्मनिर्भर बने, that is the focus of the short run strategy. Also it is said in this report jo covid-19 hai iski wajah se jo crisis hai uski wajah se income inequality mein rise dekhne ko milega. hame income inclusive growth ki taraf aage badhna hai to we have to employ this short term policy. long run mein we have to focus on developmental problems jaise ki conflict, मिनिमम कन्फ्लिक्ट करने की कोशिश करनी है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ सके, राइट? कॉम्युनली या पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट नहीं हो, इस चीज़ के ऊपर फोकस रहना चाहिए, और क्लाइमेट चेंज को हम टैकल कर सकें, या क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो रीजंस हैं, जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जैसे कि फ्लड या ड्रॉट, उससे हम कैसे फाइट कर सकें, उससे हम वल्नरेबल पॉपुलेशन को कैसे बचा सकें, दैट इज़ टू बी फोकस्ड. पॉवर्टी इन इंडिया, सो पॉवर्टी एस्टिमेशन इंडिया में नीति आयोग का टास्क फोर्स करता है. इट कैलकुलेट्स द पॉवर्टी लाइन बेस्ड ऑन द डाटा दैट इज गिवन बाय नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस विच इज़ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन. सेकेंडली ये जो पॉवर्टी लाइन है इट इज़ बेस्ड ऑन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड नॉट ऑन इनकम लेवल्स. यू हैव टू रिमेंबर दैट पॉवर्टी लाइन एक्सपेंडिचर एस्टिमेशन इज बेस्ड ऑन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2020 एज पर UNDP यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम गिव्स ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स. एज पर इट इंडिया लिफ्टेड एज मैनी एज 270 मिलियन पीपल आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी बिटवीन 2005-06 एंड 2015-16. सो बेसिकली COVID-19 का बहुत ज़्यादा इफेक्ट है डेवलपमेंटल लैंडस्केप के ऊपर, बट हमें फोकस करना है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर वन विच टॉक्स अबाउट जीरो पॉवर्टी बाय द ईयर 2030, हम उसको अचीव कर पाएँ. उसके लिए हमें शॉर्ट रन एंड लॉन्ग टर्म में जो अप्रोचेस वर्ल्ड बैंक ने बताई हैं उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए. नेक्स्ट इज हाउ गवर्नमेंट इज़ वर्किंग इन दिस डायरेक्शन. सो बहुत सारे सोशल सेफ्टी प्रोग्राम को एनहेंस किया गया है. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र सच एज कैश ट्रांसफ़र को दिया गया है अंडर PM किसान योजना.
PM Kisan scheme, right? And Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act के अंदर भी financing की गई है. साथ ही साथ जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है उसके तहत वर्कर्स को फ्री फूड एंड सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स को प्रोवाइड किया जा रहा है. अप टू 800 मिलियन पीपल को फूड प्रोवाइड किया गया है सो दैट इट कैन इंश्योर फूड फॉर ऑल एज वेल एज डायरेक्ट कैश ग्रांट्स हैव बीन गिवन टू द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स. उनको डायरेक्ट कैश ग्रांट प्रोवाइड किए गए हैं. सेकेंडली गवर्नमेंट हैज़ रिलीज स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज ऑफ 20 लाख करोड़ which is equivalent to 20% of the India's GDP under Atmanirbhar Bharat scheme with the aim of making country independent against the tough competition in global supply chain and to help in empowering the poor, laborers, migrants who have been adversely affected by COVID. तो आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा दिया जाए इस चीज़ के ऊपर फोकस किया गया और इसके लिए स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज रिलीज किया गया था. सो ओवरऑल द कंक्लूजन इज दैट कि ग्लोबल एंड रीजनल लेवल पे हमें कोलैबोरेट करना पड़ेगा. नेशनल लेवल पे वी हैव टू इम्प्लीमेंट दी स्ट्रैटेजीज दैट हैव बीन प्रमोटेड बाय वर्ल्ड बैंक. वर्ल्ड बैंक ने जो स्ट्रैटेजीज दी हैं हम उस पर काम करें एट द नेशनल लेवल एज वेल एज जो ग्लोबल लेवल है उस पर जो फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो एड प्रोवाइड करें फॉर डेवलपमेंटल एंड पॉवर्टी रेडिकेशन. ऐसी जो भी स्कीम्स सरकार लॉन्च करेगी उसके लिए ये वर्ल्ड बैंक जैसी ऑर्गेनाइजेशन एड प्रोवाइड करें हमारी सरकारों को. सो वी हैव टू कोलैबोरेट एट दी रीजनल एज वेल एज एट ग्लोबल लेवल. साथ ही साथ वी हैव टू शेयर इन्फॉर्मेशन ऑन दिस डिजीज़ एंड द क्योर रिलेटेड टू इट. सो आई होप दिस हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक इन डेप्थ. फॉर मोर सच वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू.